वेरिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स डाइज एंड लूज टूल्स में. नाउ ऑडिटर शुड वेरीफाई दिस आइटम्स, बराबर है, कीपिंग इन माइंड व्हाट SA500. अब ये जितने भी आइटम्स है, वेरिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स डाइज एंड लूज टूल्स, सो ऑडिटर शुड वेरीफाई दीज आइटम्स कीपिंग इन माइंड व्हाट SA500. जो SA500 है उसको माइंड में रखते हुए उसको क्या करना है बेटा, ऑडिटर शुड वेरीफाई, राइट. सो अब सबसे फर्स्ट क्या करेगा ऑडिटर, वेरीफाई द रिकॉर्ड. सबसे फर्स्ट ऑडिटर विल चेक द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, राइट. सो एग्जामिन रिकॉर्ड्स, व्हाट, एग्जामिन रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर. भाई फिक्स्ड एसेट में एंट्री है कि नहीं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में दिखाया कि नहीं उसको, बराबर है. Examine records including the fixed asset register, work order, physical verification reports relating to opening balance, addition, self construction, write off, retirement of loose tools. ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि ऑडिटर क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेगा, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में शो किया है आपने, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा उसको, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था वो देखेगा, प्लस कितना एडिशन हुआ वो देखेगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन कुछ है तो वो देखेगा बेटा, कुछ राइट ऑफ किया है क्या, एवरीथिंग, वो सब पूरा रिकॉर्ड वेरीफाई करना है. और वो क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल. ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल दैट ऑल लूज टूल्स सोल्ड, रिटन ऑफ, स्क्रैप्ड एटसेट्रा वेर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर आपने कोई भी लूज टूल सोल्ड कर दिया है या राइट ऑफ हो चुका है या स्क्रैप हो चुका है तो उसको बुक में रिकॉर्ड किया है कि नहीं. अब सोल्ड कर दिया मतलब बुक में सब एंट्री होनी चाहिए ना, या स्क्रैप हो चुका है या राइट ऑफ किया है तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट. ऑल रिकॉर्डिंग शुड बी देयर. सो वेरीफाई द रिकॉर्ड, सबसे पहला पॉइंट, वाइल वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, लूज टूल्स या पैटर्न डाइज एंड लूज टूल्स. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स. ऑडिटर विल गोइंग टू वेरीफाई द रिकॉर्ड्स. That is examine records including the fixed asset register. Okay, so he will verify the records and obtain, and he should obtain a certificate from senior officials. So company ke senior official hai, unse certificate obtain karna hai ki bhai aap logon ne loose tools ka proper recording kiya hai kya, koi loose tools sold hai ya write off kiya hai ya scrapped ho chuka hai to usko properly aapne book mein entry dikhai hai ki nahi dikhai hai, hai ki nahi, barabar hai. Entry should be in books. Entry should be there in the box. Okay, होना चाहिए, right? So secondly, after verifying the records, the auditor, what? Then after verifying the records, the auditor will verify the existence. What? Auditor will verify what, beta? The existence means observe the physical verification being conducted by the management wherever possible. Existence check करेगा. What? Observe the physical verification conducted by management wherever possible, कि वो exist में, वो existence में है क्या, जो भी loose tools है वो exist कर रहा है क्या, pattern dies जो भी है वो existence है क्या, physical verification करेगा, observe करेगा physical verification को, examine whether the method of verification and its frequency was reasonable, ठीक है, वो देखेगा कि management ने क्या लिया है, management ने क्या initiative लिया है existence को verify करने का, बराबर है, वो खुद भी देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वेरीफाई करेगा, राइट. सो एग्जामिन वेदर द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी वाज रीजनेबल. वो देखेगा जो मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी रीजनेबल है क्या. टेस्ट चेक करेगा बुक रिकॉर्ड्स को, क्या बेटा, टेस्ट चेक द बुक रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी विद द फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. मतलब वो टेस्ट चेक करेगा, कोई एक सिंपल सा, देखो कोई एक क्या करेगा, वो सैंपल आइटम उठाएगा, सिंपल एकदम टेस्ट चेक तो सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी एक उसने आइटम उठा लिया उसको पूरा उसका बुक रिकॉर्ड्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा एंट्री चेक करेगा, मान पड़ा विद फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली वेरीफाई भी करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं. सो सब कॉमन पॉइंट है, वेरीफाई करना है उसको फिक्स्ड असेट्स को, असेट्स को, तो पहले रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करो, रिकॉर्ड्स, फिर एग्जिस्टेंस है क्या उसका, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कि खाली बुक रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिकली भी एग्जिस्ट होना चाहिए ना राजा बच्चा, है कि नहीं, राइट. फिर तो फर्स्ट वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, याद रखना पॉइंट है, यस. अभी आगे और भी वेरिफिकेशन करोगे उसमें यूज होगा, सिर्फ अभी जैसे यहाँ पैटर्न डाइज एंड लूज टूल्स है वहां दूसरे एसेट्स हो जाएंगे, बाकी सारा पॉइंट सेम रहेगा. देन आफ्टर दैट वेरीफाई द वैल्यूएशन, वेरीफाई द वैल्यूएशन, ठीक है,
means verify that the loose tools have been valued and depreciated in accordance with professional pronouncement and prevailing practices. ठीक है, अगर जो भी लूज टूल्स है उसका वैल्यूएशन आपने वैल्यूएशन या जो भी राइट ऑफ है उसको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट है उसके हिसाब से फॉलो किया है क्या, बराबर है? लूज टूल्स का अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको आपने शो किया है क्या, बराबर है? शो किया है, किस पे शो किया है, कॉस्ट प्राइस पे शो किया है कि नहीं, मालूम पड़ा? वो सब पूरा उसका वैल्यूएशन चेक करेगा, मालूम पड़ा? तो वैल्यूएशन तो होना ही चाहिए ना बेटा, अभी तो मालूम पड़ेगा कि उसका बुक में वैल्यू कितना दिख रहा है, उसने कितना शो किया है, कॉस्ट प्राइस पे शो है कि नहीं, जो भी प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से शो करना पड़ेगा ना, थोड़ी ना उधर आप मार्केट वैल्यू दिखाने वाले, राइट? सो वेरीफाई द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को क्या करेगा, जो वैल्यूएशन है उसको भी वेरीफाई करेगा और डिस्क्लोजर चेक करेगा, क्या करेगा? डिस्क्लोजर कि कंपनी ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. लूज टूल्स देखो आपको करंट असेट्स में भी दिखाते हो ना, लूज टूल्स, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स, राइट? तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी रहेगा तो उसके हिसाब से अपने इन्वेंट्री शो किया है कि नहीं, मालूम पड़ा? अगर वो फिक्स असेट्स एज्यूम किया है तो उसके लिए क्या है आपका फिक्स असेट या करंट असेट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 2 के हिसाब से आपने कॉम्प्लाई किया है कि नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 एंड कैरो 2016 के बेसिस पे आपने पूरा डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है, एवरीथिंग द ऑडिटर विल गोइंग टू वेरीफाई. तो बेटा वेरिफिकेशन में याद रखना ये कॉमन पॉइंट्स आपको यूज करना ही है. व्हाट आर दोस कॉमन पॉइंट्स? फर्स्ट ही विल गोइंग टू वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, देन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, राइट? वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, वेरीफाई द वैल्यूएशन, वेरीफाई द डिस्क्लोजर. क्या बोलो? फर्स्ट वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस चेक करें, रिकॉर्ड्स के साथ साथ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, देन वैल्यूएशन एंड देन डिस्क्लोजर, राइट? तो कम ऑन, ये 4 पॉइंट्स फटाफट बोलो, सब लोग रिवाइज करो और आंसर दो फटाफट. और ये सब देखो आपको सब में यूज होने वाला है आगे, ठीक है? सिर्फ आपको हेड्स चेंज हो जाएगा, जैसे अभी नेक्स्ट देखो स्पेयर पार्ट्स है, हाँ? तो देखो उसमें भी देखो वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, ऐसे आते जाएगा सब, ठीक है? राइट? तो ये पॉइंट आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. सो फटाफट बोलो पॉइंट्स क्या क्या है, वो मेन 4 पॉइंट्स कौन सा मेन? यस, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स में, स्पेयर पार्ट्स का अगर वेरिफिकेशन करना है तो सेम वही चीज, पहले उसको रिकॉर्ड वेरीफाई करना है, बराबर है? रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेगा स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, अब उधर लूज टूल से रिलेटेड या पैटर्न आई से रिलेटेड, इधर स्पेयर पार्ट से रिलेटेड हो जाएगा बस. फिर एग्जिस्टेंस चेक करेगा, बराबर है? वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व द फिजिकल वेरिफिकेशन, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, टेस्ट चेक, बराबर है? ये सब देख रहे हैं, सब सेम है ना, टेस्ट चेक द बुक रिकॉर्ड्स विद फिजिकल वेरिफिकेशन. फिर उसके बाद तो मतलब इधर भी सेम वेरीफाई करेगा रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू व्हाट, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है? एग्जिस्टेंस देखेगा, उसका वैल्यूएशन चेक करेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ स्पेयर पार्ट्स वो वैल्यूड हुआ है कि नहीं कॉस्ट पे, और डिस्क्लोजर, क्या बेटा? डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 2 के हिसाब से डिस्क्लोजर किया है कि नहीं आपने, और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं, बराबर है? मालूम पड़ा? क्लियर? तो 2 मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया जो कि करंट असेट टाइप होता है, और 10 मतलब आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अभी याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मतलब फिक्स असेट होता है, बराबर है? बट अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम चेंज हो चुका है, पता है ना सबको, पहले ही चेंज हो चुका है, अब उसको फिक्स असेट नहीं बोलने का, उसको बोलने का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है? जब बैलेंस शीट पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट पढ़ोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिक्स असेट ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो फॉर्मेट है, ठीक है, शेड्यूल 3 का पार्ट 1, उसमें आपको फिक्स असेट के जगह पे क्या लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज व्हाट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिक्स असेट ही लिख हो गया, वो वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है? चलो नाउ वही सेम, अभी आ जाओ वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट बेटा, एम्प्टीज एंड कंटेनर्स. क्या बेटा? वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्टीज एंड कंटेनर्स जो होते हैं, वही सेम चीज, रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेगा कंटेनर से रिलेटेड, एम्प्टीज से रिलेटेड, राइट है? जो भी कंटेनर्स है उसका एग्जिस्टेंस चेक करेगा,
वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो कि पहले भी पढ़ चुके हो। सिर्फ इधर क्या आ जाएगा, कंटेनर से रिलेटेड आपको दिखाना है, ठीक है। फिर क्या करेगा, वैल्यूएशन देखेगा, वैल्यूएशन कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंटेनर्स है वो सब वैल्यूड हुआ है क्या कॉस्ट पे, और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में AS-10, AS-2 और कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्क्लोजर किया है कि नहीं, अपने कॉम्प्लायंस किया है कि नहीं, वेरीफाई द कॉम्प्लायंस। तो देख रहे हो ना, सिमिलर पॉइंट है कि नहीं, सिर्फ आपको जो हेड पूछा है वो ही खाली अंदर लिखना है, बाकी सारा लिंक्ड है पूरा पॉइंट, ठीक है। तो एम्प्टीज एंड कंटेनर्स का हो गया, इसलिए बोला ये चारों पॉइंट अच्छे से याद रखो, पहले वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, राइट। तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स करोगे ना तो ये सब बहुत कॉमन पॉइंट है, रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना, एग्जिस्टेंस चेक करना, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, बराबर है। फिर अब आ जाओ, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट पॉइंट होगा, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा, नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वेरिफिकेशन ऑफ, जब इन्वेस्टमेंट्स का वेरिफिकेशन करोगे, इन्वेस्टमेंट्स क्या बेटा, आपका असेट्स है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का वेरिफिकेशन करोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स है। पहले पॉइंट देख लो, ट्रांजेक्शन्स। अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करता है कंपनी, जो भी कंपनी या जो भी क्लाइंट का है वो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होगा या कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन कर रहा है, तो उसके लिए पहला ट्रांजेक्शन चेक करेगा वो, फिजिकल इंस्पेक्शन, राइट। फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब वो शेयर्स और डिबेंचर्स का जो भी है उसको इंस्पेक्ट करेगा, बराबर है, उसका जो भी अपना प्रूफ है वो देखेगा। डिपॉजिटरी सर्विसेस, इंस्पेक्शन, फिर क्या बोल रहा है, देखो, ऑडिटर शुड वेरीफाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा एज फॉलोज, क्या, ट्रांजेक्शंस, फिजिकल इंस्पेक्शन, डिपॉजिटरी सर्विस, इंस्पेक्शन, हेल्ड बाय अदर्स, हेल्ड इन डिफरेंट नेम्स, एनालिटिकल रिव्यू, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। तो ये 8 पॉइंट्स पहले याद रखना, ये वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद वैल्यूएशन देखेंगे इन्वेस्टमेंट का। तो चलो अब वेरिफिकेशन देखते हैं पहले, स्टेप बाय स्टेप। तो 8 पॉइंट्स आर देयर, क्या 8 पॉइंट्स आर देयर, तो नाउ सी एवरीवन, द वेरी फर्स्ट, ऑडिटर शुड वेरीफाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शंस, व्हाट बेटा, ट्रांजेक्शंस मींस द ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंटिटी आर विदिन इट्स अथॉरिटी। जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी की अथॉरिटी में है क्या, ऐसा ही नहीं कभी भी किधर भी पैसा डाल दिया लगा दिया, नहीं। तो ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सपोर्टेड बाय ड्यू अथॉरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो आर, मतलब जो भी है, आर वट, क्या, विद इन इट्स अथॉरिटी मीन्स बाय द एंटिटी आर विद इन इट्स अथॉरिटी। और जो भी परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय अथॉरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। अथॉरिटी उसको सपोर्ट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी बंदा कंपनी का जो भी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देगा, पैसा किधर भी लगा देगा, शेयर्स या डिबेंचर्स में, लाइक ऐसा नहीं, कहीं भी इन्वेस्ट कर दे, उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी होगी, बराबर है, प्रॉपर मीटिंग्स होगी, उस मीटिंग्स में सब फाइनलाइजेशन होता है, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, राइट राइट। तो और ये सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो पहला वेरीफाई करते टाइम पे वो ट्रांजेक्शन चेक करेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो हुआ है विद द व्हाट, प्रॉपर अथॉरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। फिर फिजिकल इंस्पेक्शन करने में क्या बोल रहा है, फिजिकल इंस्पेक्शन, द ऑडिटर शुड कैरी आउट अ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। फिजिकल इंस्पेक्शन देखेगा ही ना भाई, वो चेक करेगा जो भी शेयर्स या अपना जो डिबेंचर्स है, जहां इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रूफ है, पूरा चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, कहां इन्वेस्टमेंट किया है वहां भी वो चाहिए तो कंफर्मेशन ले सकता है, राइट। डिपॉजिटरी सर्विसेस, बेटा ये हमेशा याद रखो, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे डिपॉजिटरी सर्विसेस सबसे मेन, डीपीज जिसको बोलते हैं, डीपीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो आपके क्या करते बेटा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा रिकॉर्ड रखते बोलो, ठीक है। तो अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में जो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द पीरियोडिक रिकंसिलेशन ऑफ बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या है एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द एंटिटी
एंटिटी ने क्या रिकॉर्ड दिया है एंड दोज एज पर द डिपॉजिटरी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जैसे NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL, NSDL, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरी सर्विसेज देते हैं। अब उसमें भी DPs आ सकते हैं, बहुत सारे जो भी है DPs, राइट। तो उनसे जो DPs ने, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो डिपॉजिटरी सर्विसेज दे रहे, राइट, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, उनका भी रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू, कितना इन्वेस्टमेंट किया है और एंटिटी ने कितना रखा है, एंटिटी ने कितना शो किया है, वो सब क्या करेगा, रिकनसाइल करेगा। क्या करेगा बेटा? रिकनसाइल, दैट इज मैच करेगा। समझा कि नहीं? क्या करेगा बच्चा? मैच करेगा उसको, राइट। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देखेगा कि कौन दे रहा है डिपॉजिटरी सर्विसेज, NSDL, SDSL है, क्या है, और पीरियोडिक रिकनसिलेशन करेगा। मालूम पड़ा? तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो देखो डिपॉजिटरी से आपको ईमेल भी आता है कि भैया इतना इतना है आपका इन्वेस्टमेंट, ये सब है, राइट। तो वो रिकनसाइल करेगा। देन इंस्पेक्शन, क्या बड़ा? इंस्पेक्शन, अरे इंफेक्शन नहीं बाबा, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द एंटिटी, द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द एंटिटी इन इट्स ओन कस्टडी शुड नॉर्मली बी एग्जामिन्ड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया एंटिटी ने इन इट्स ओन कस्टडी, वो एग्जामिन होना चाहिए, बराबर है, एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस वो एग्जामिन होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए उसका। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द एंटिटी इन इट्स ओन कस्टडी शुड नॉर्मली बी एग्जामिन्ड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो वो एग्जामिन्ड होना चाहिए प्रॉपरली। समझ गया? तो इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम पड़ा क्या? द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द एंटिटी, जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट held by the entity in its own custody should normally be examined at the close of the business. वो examined होगा कि कितना investment है, वो उसका पूरा inspection करेगा कौन? auditor, कि भाई वो examined हो रहा है कि नहीं। management से certificate भी लेगा कि आपने क्या measures लिया है, आप properly उसका valuation देख रहे हो कि नहीं, track record रख रहे हो कि नहीं, right? उसके हिसाब से auditor भी पूरा inspect करेगा। तो ये सब verification बेटा, ये सब verification करते time पे आपको ध्यान देना, investment के verification करते time पे, ट्रांजेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन, डिपॉजिटरी सर्विसेज, राइट, फिर इंस्पेक्शन दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द एंटिटी इन इट्स ओन कस्टडी शुड नॉर्मली बी एग्जामिन्ड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस, एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस, राइट, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर, कि भाई कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट अभी है, क्लोजिंग कितना है इन्वेस्टमेंट का, राइट, उसको बुक में आपने शो किया है कि नहीं, एवरीथिंग। सो ये सब कौन देख रहा है? ऑडिटर। कौन वेरीफाई कर रहा है? ऑडिटर। फिर हेल्ड बाय अदर्स, हेल्ड बाय अदर्स मतलब सी, क्या दिया इसमें हेल्ड बाय अदर्स में? वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय व्हाट? एनी अदर पर्सन। व्हाट? वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, एग्जांपल व्हाट? बाय बैंक्स। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम देम, राइट। So held by others में क्या बोल रहा है? Where investments are held by any other person on behalf of the entity. Entity ने investment किया है, but वो held कौन कर रहा है? कोई other person. जैसे banks हमारा investment क्या कर रहा है? Held कर रहा है हमारे behalf पे, हमारे behalf पे वो hold कर रहा है, held कर रहा है. So auditor should examine the certificate received from them. तो उसके लिए auditor को भी examine करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड एग्जामिन द सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम देम, कि भाई आप इनका इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, हेल्ड कर रहे हो, तो क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू क्या है, एवरीथिंग। समझा? सो हेल्ड बाय अदर्स, वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, लाइक बैंक्स, नॉर्मली बैंक्स ही होते हैं। सो द ऑडिटर शुड एग्जामिन द सर्टिफिकेट, ऑडिटर व्हाट? शुड एग्जामिन द सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम देम, एग्जामिन करेगा, काम ही ऑडिटर का वेरीफाई करने का काम है ना बेटा, तो वो सब करना ही पड़ेगा। समझा? फिर क्या बोल रहा है? ये हो गया हेल्ड बाय अदर्स। फिर हेल्ड इन डिफरेंट नेम्स, क्या हेल्ड इन व्हाट बेटा? डिफरेंट नेम्स मींस इफ द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड अदरवाइज देन इन द नेम ऑफ द एंटिटी, द ऑडिटर शुड असर्टेन द रीजन फॉर द सेम एंड एग्जामिन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब क्या बोल रहा है? हेल्ड इन डिफरेंट नेम्स, हेल्ड इन डिफरेंट नेम्स मींस इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड अदरवाइज देन इन द नेम ऑफ द एंटिटी,
अगर इन्वेस्टमेंट आपने हेल्ड किया अदरवाइज देन इन द नेम ऑफ द एंटिटी, मतलब एंटिटी के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, किसी दूसरे के नाम पे किया है, इस नेम ऑफ द नॉमिनी या ट्रस्टी, तो ऑडिटर शुड असर्टेन द रीजंस फॉर द सेम. क्या रीजन है बताओ, आपने एंटिटी के नाम पे क्यों नहीं किया? बराबर है, मालूम पड़ा आपने नॉमिनीज के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया या ट्रस्टी के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका रीजन बताओ. और एग्जामिन करेगा उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बराबर. तो अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो उसके बेसिस पे अपना जैसा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देगा. एनालिटिकल रिव्यू करेगा, क्या करेगा बेटा, एनालिटिकल रिव्यू. इन द केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज द ऑडिटर मे रिलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न विद द फेस वैल्यू ऑफ द रिलेटेड सिक्योरिटी. ऑडिटर क्या करेगा, एनालिटिकल रिव्यू करेगा, रिव्यू. इन द केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, क्या बेटा, इन द केस ऑफ व्हाट, fixed interest bearing security, the auditor may relate the amount of interest earned with the face value of the related security. तो अब यहाँ auditor क्या करेगा, investment का जब verification करेगा तो analytical review क्या करता है, जो fixed interest bearing securities है, like आपने investment किया है bonds में, debentures में, यहाँ अगर आप invest करेगा, यहाँ company अगर invest करता है तो उसको क्या मिलता है, return interest के form में, fixed interest. Right? So that is what fixed income bearing security, yeah, fixed interest bearing securities. So the auditor may relate the amount of interest earned with the face value of the related security. Aur interest hamesha yaad rakhna, face value pe hi milega. Jo face value of the security hai, uske upar interest milega. Theek hai? Jaise aapne bonds mein invest kiya hai, right? Kitna? Samjho face value of the bond hai 1 lakh. राइट है, बट आपने उसको खरीदा है 1,20,000 में, तो 1,20,000 पे इन्वेस्ट, जो 1,20,000 है उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 1 lakh पे ही मिलेगा. बराबर है, दैट इज व्हाट एनालिटिकल रिव्यू, क्या बोलते हैं उसको, एनालिटिकल रिव्यू के हिसाब से वो देखेगा कि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिला है क्या, फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है कि नहीं, वो सब वेरीफाई करेगा, चेक करेगा फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो, द ऑडिटर should obtain from the management of the entity a written statement regarding what classification and valuation of investment. कि भाई auditor क्या करेगा, management's representation भी लेगा कि management ने क्या initiative लिया है. The auditor should obtain what? The auditor should obtain from the management of the entity a written statement regarding what? आपने कैसे classification किया है investments का, valuation क्या किया आपने, classification of investments, valuation of investment for balance sheet purpose. बराबर है, अब वो investment में भी आपके पास देखो, short term भी हो सकता है, long term भी हो सकता है, current, non-current, government securities का हो सकता है, others का हो सकता है, तो उसका कैसा आपने classification किया है, valuation of investments किया है, everything. बराबर है, तो ये सब verify करेगा, ये सब data लेगा, management से written statement लेगा, उसके basis पे पूरा verification वो करता है बेटा, कौन, ऑडिटर, राइट है. तो देखा, इन्वेस्टमेंट जो किया है कंपनी ने उसके लिए भी वो इतना काम कर रहा है, उतना वेरिफिकेशन कर रहा है, समझे कि नहीं, मतलब बड़ा वेरीफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स को. वेरिफिकेशन यू हैव सीन. नाउ वेरिफिकेशन के बाद भाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बेसिस क्या लिया, बेसिस देखना है, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वो प्रॉपर होना चाहिए एंड रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो भी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस के हिसाब से. नॉर्मली इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यूड होता है, ग्रॉस कॉस्ट पे, जितना उसका टोटल कॉस्ट है एज पर द बुक्स, दैट इज परचेज कॉस्ट, कितने में परचेज किया है, प्लस ब्रोकरेज कितना लगा उस पे, ट्रांसफर चार्जेस कितना लगा, ये सब, तो वो सब प्लस होना चाहिए, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, राइट है, बेसिस ऑफ, जो भी बेसिस ऑफ वैल्यूएशन है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज्ड हो. मार्केट वैल्यू, मतलब द ऑडिटर में असर्टेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कोटेड सिक्योरिटीज फ्रॉम ऑफिशियल कोटेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ऑडिटर को जो मार्केट वैल्यू है वो भी देखना है, उस सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू कितना है. फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन के लिए भाई मार्केट वैल्यू भी तो पता रहना चाहिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में है, इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व इन परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑडिटर शुड सी दैट अमाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू रुपीस. फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो ऑडिटर को यह भी देखना है कि उसको रुपी में कन्वर्ट किया है कि नहीं प्रॉपर मैनर में, राइट. फिर करेक्ट कंप्यूटेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट कंप्यूटेशन, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, कंप्यूटेशन होना चाहिए, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, राइट. मालूम पड़ा, ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द एरिथमेटिकल कंप्यूटेशन व्हाइल फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट. प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर कंप्यूटेशन होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ये सब वैल्यूएशन में तो कॉमन चीज है ना बेटा, कंप्यूटेशन.
फिर अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा आपको फ्यूचर में प्रैक्टिकल। कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूरा रहना चाहिए बेटा, जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। तो ऑडिटर शुड सी दैट इन्वेस्टमेंट आर परचेज और सोल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो किया है कि नहीं, परचेज हो सेल हो उसके लिए कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो होना चाहिए। डिस्क्लोजर आपने प्रॉपरली दिखाया है कि नहीं, समझो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको किधर दिखाना है आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो पीरियड किसका है, जिस इन्वेस्टमेंट का पीरियड 12 मंथ से ज्यादा हो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स का है या विद इन 12 मंथ्स है तो करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर कुछ भी इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ है तो वो भी आपको शो करना है। राइट, ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर एनी इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट हैज अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। तो कोई ऐसा इवेंट है क्या जो अफेक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो भी ऑडिटर को देखना है। वैल्यूएशन पे इफेक्ट हुआ, वैल्यूएशन पे इफेक्ट आया तो ऑडिटर कंसिडर करेगा,